नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 और फिर वनडे सीरीज फतह करने के बाद टीम इंडिया ने साल का अंत शानदार तरह से किया। टीम के साथ साथ कप्तान कोहली और अश्विन ने भी साल का अंत बेहतर तरह से किया। कोहली ने जहां साल का अंत नंबर वन पर रहकर किया, तो अश्विन ने भी रैंकिंग में कमाल की उछाल के साथ इस साल का अंत किया है। लेकिन अब पूरे साल कमाल करके टीम इंडिया के खिलाड़ी नए साल को मनाने के लिए अलग अलग जगह पहुंच गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आपके चहेते खिलाड़ी अपना नया साल कहां कहां मनाने वाले हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। वैसे ये दोनों जहां भी एक साथ जाते हैं सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं, तो इस बार ये दोनों स्विट्जरलैंड में अपना नया साल मनाएंगे। तो वही ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने छुट्टियां मनाने के लिए इस बार लंदन को चुना, तो जडेजा और उनकी पत्नी का इस बार नया साल लंदन में मनेगा, जिसकी तस्वीर इन दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की। तो वही केएल राहुल ने ठंड के मौसम में समंदर के किनारे जाना ही बेहतर समझा। केएल राहुल ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो ज्यादा घूमने की बजाय सिर्फ आराम करने के ही मूड में दिख रहे हैं और यहीं पर नए साल का स्वागत भी करना चाहते हैं। तो वही चोट से जूझ रहे हार्दिक पांड्या वैसे तो टीम से बाहर चल रहे हैं, मगर वो भी इस साल के आखिरी दिनों को समंदर के किनारे ही बिताना चाहते हैं और इसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तो वहीं भारत के स्टार गेंदबाज उमेश यादव भी सर्दियों का पूरा मजा ले रहे हैं। उनकी पत्नी तानिया वाधवा ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा भी है कि हम सर्दी और स्वेटर की तरह ही एक साथ चलते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो अपना नया साल मनाने से पहले अपनी पसंदीदा जगह पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम नए साल की शुरुआत श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करके करेगी। वैसे आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपना नया साल कहां मनाने वाले हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।